आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या को जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराया। बेमेतरा जिलाधिकारी एवं बाल विकास अधिकारी के पास साझा क्षेत्र से आए हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रखी अपनी समस्याएं और दिया आवेदन। आज बेमेतरा जिला महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय साझा क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पहुंची। उन्होंने साझा ब्लॉक में हो रही समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पद सालों से खाली है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके चलते उन्हें दोनों काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आंगनवाड़ी के साथ साथ दूसरे आंगनवाड़ी केंद्रों को भी देखना पड़ रहा है, जिसके चलते वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई जगह इनके आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर हो चुके हैं, जिससे कभी भी कोई भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। साथ ही नांदघाट क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है। इन सब विषयों को लेकर बेमेतरा जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अध्यक्ष श्रीमती विद्या जैन के नेतृत्व में जिला कार्यक्रम अधिकारी से मुलाकात की और आवेदन देते हुए अपनी बातें रखी। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया है और अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो और जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए वे स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को आदेश करेंगे। विद्या, कैसे आना हुआ कलेक्टर, क्या इस बात को लेकर क्या समस्या? सर, हम लोग आज साझा परियोजना से मेरी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहने आई हैं। इनको विगत चार सालों से समस्या, चार पाँच साल से, वहाँ जहाँ कार्यकर्ता है वहाँ सहायिका नहीं है, जहाँ सहायिका है वहाँ कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो कार्यकर्ता है वो सहायिका का भी काम करती हैं, और ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको डबल डबल दो दो तीन तीन केंद्रों का भार दे दिया गया है, जिससे उनको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बहुत सारी हमारी बहनें सहायिका है जिनको कार्यकर्ता का भी काम करना है, अभी जैसे मोबाइल में पोषण ट्रैकर का काम करना है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारी बहनें जो जर्जर स्थिति में है, उनको नवीनीकरण के लिए लोग आए हुए हैं सर आज यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रत्ना राजपूत, मैं ग्राम भटगांव केंद्र क्रमांक 3 से हूँ, साझा परियोजना से। क्यों, किस बात को लेकर आए, क्यों इतना गुस्सा दिख रहा है चेहरे में? गुस्सा इसलिए है कि हम लोग कार्यकर्ता और सहायिका दोनों का काम कर रहे हैं, चार साल से ना हमारे आंगनबाड़ी में सहायिका नहीं है। हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है, बीएलओ का काम करना पड़ता है, 13 रजिस्टर मेंटेनेंस करना पड़ता है, मगर शासन प्रशासन हम लोगों को ऊपर में ध्यान नहीं देती है। और ज़्यादा होगा ना तो इस बार जब कार्यकर्ता सहायिका का नियुक्ति नहीं किया जाएगा ना, तो हम लोग जनपद साझा का घेराव करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मजबूर ना करें, है ना, जितना जल्दी हो सके कार्यकर्ता और सहायिका का नियुक्ति करें, अन्यथा ना वो घेराव के लिए तैयार हो जाए। जितना हो सके हम लोग अपना बल लगा देंगे, ताकत लगा देंगे और कार्यकर्ता सहायिका मिलके जनपद का घेराव करें। ये कहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, किस लिए आए थे? ये साझा का परियोजना क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, इनकी कुछ मूलभूत समस्याएं थी। एक तो इनकी साझा क्षेत्र में बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद रिक्त हैं, और पद रिक्त होने के वजह से इनको दो दो काम करने पड़ रहे हैं, सहायिका के भी या कार्यकर्ता के भी। दूसरा, इनकी मांग थी कि इनकी जो भवन हैं, बहुत सारे भवन हैं जो जर्जर हैं, जिनको सुधार की ज़रूरत है, तो इन जर्जर भवनों के लिए हमने संचालनालय को भी, कलेक्टर महोदय को भी, जिला पंचायत महोदय को भी इसमें हमने भेजा गया है, इसका प्रस्ताव भेजे गए हैं सुधार करने।